नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज की एक न्यू वीडियो में। मेरा नाम युगल, मेरे साथ यतिन और विहान और आप देख रहे हैं यीआईबी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ऑल न्यू महिंद्रा थार के बाद जो कि एक नए अपडेट में फाइनली आ चुकी है और काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। दिखने में गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। इंटीरियर वाइज और एक्सटीरियर वाइज काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है इस गाड़ी का, तो जानेंगे क्या क्या इसमें कुछ चेंजेस मिलते हैं, पहले से कितनी बेहतर हो चुकी है गाड़ी और इस गाड़ी का आपको ऑन रोड प्राइस क्या पड़ता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को कवर करने के लिए हम आ रखे हैं हल्द्वानी के महिंद्रा शोरूम में। सो अगर आपको ये गाड़ी परचेज करनी है, देखनी है, महिंद्रा की कोई और गाड़ी देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखा है, आप जाकर उन्हें कॉन्टैक्ट करिए, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। दोस्तों, अगर इस न्यू महिंद्रा थार की आपको म्यूज़िक क्वालिटी सुननी है या इसकी नई फोटोज़ देखनी है, इसकी रियल लाइफ इमेजेस देखनी है, तो प्लीज़ हमें इंस्टा में जरूर फॉलो करो। लिंक स्क्रीन में भी आ रखो, डिस्क्रिप्शन में भी है। सो हमेशा में जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। Clock ticking, time is over. Before you know you're older, so sober, a loner. You getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker. Get down. दोस्तों, पहले मैं आपको इस नई थार की शो कर देता हूँ। ये इस गाड़ी की है, वैसी की मिलती है जैसे आपको महिंद्रा की स्कॉर्पियो बुलेरो मिलती है। फ्रंट में आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल रहा है, एक सर्च बटन मिलता है। अगर आप गाड़ी नहीं ढूंढ पा रहे हो तो सर्च बटन दबाओगे तो इसकी जो इंडिकेटर्स और हॉर्न है वो बजना शुरू हो जाता है। बाकी इसमें आपको फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है और पीछे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इस न्यू थार की। तो सबसे पहले इस गाड़ी के लुक्स और डिज़ाइन की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रखा है। गाड़ी दिखने में काफ़ी मस्कुलर और बल्की लगती है और यही सा एक आई कैचिंग पार्ट है। काफ़ी दिखने में बहुत अमेजिंग लुक्स मिलते हैं। फ्रंट पोर्शन की यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हेडलैम्प्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टिल हैलोजन सेटअप भी मिलता है, कोई प्रोजेक्टर्स या फिर LED ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग जो इस गाड़ी को परचेज करेंगे, मेरे ख्याल से आफ्टर मार्केट जाके कोई LED सेटअप या प्रोजेक्टर ज़रूर लगवाएंगे इसमें। और यहाँ पे आपको LED मिलता है, इंडिकेटर जो इंडिकेटर की प्लेसमेंट है उसके ऊपर आपको थोड़े से LED मिल जाती है। बाकी नीचे यहाँ पे फॉग लैंप की प्लेसमेंट है। और यहाँ पे जो एक चेंज हो रखा है मेजर, वो है ये इसका बम्पर। पहले आपको ये मेटल का मिलता था, पर अब सेफ्टी नॉर्म की वजह से यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का मिलेगा। और यहाँ पे देखिए काफ़ी स्पेसिंग है तो एक अच्छा खासा आदमी यहाँ पे बैठ भी सकता है। और यहाँ पे थार लिखा हुआ मिलेगा। जो इसकी ग्रिल है ये भी आपको पूरी प्लास्टिक में मिलती है, लेकिन जो ये वाला पोर्शन जो हुड है ये आपको पूरा मेटल में मिलेगा। यहाँ पे एक पोर्शन मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे महिंद्रा का लोगों की वजह महिंद्रा लिखा हुआ मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी सारे लोग जो इसका लुक है उसको कंपेयर करते हैं जीपी जो रेंगलर आती है, तो ये गाड़ी कहते हैं कि उसको टक्कर दे देती है। तो लुक काफ़ी अच्छा है, मस्कुलर सा लुक मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। और यहाँ नीचे देखेंगे तो पहले यहाँ पर आपको एक स्किड प्लेट मिलती थी, अब यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं होती, जिससे आपका जो डिपार्चरिंग जो एंगल है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ हुड की अगर हम बात करें तो जो हुड का डिज़ाइन है वैसे ही रखा गया है। बीच में अगर देखेंगे तो एक शार्प मार्जिन मिल जाती थोड़ी सी, एक मतलब स्लूप टाइप का मिल जाएगा आपको। और जो वाटर की नोजल है वो आपको हुड में मिलती है। बाकी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है सब हुड में देखेंगे, या फिर अगर डोर्स की मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको थोड़े एक्सपोजर्स मिल जाते हैं। और रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता, इन आपको मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ेगा। इसके वाइपर्स हो गए। और अगर आपको इसका इंजन खोलना है तो अंदर लीवर तो दे रखा है, जब उसको लीवर को ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको ओल्ड लैचिंग दे रखी है, लैचिंग मैकेनिज्म दे रखा है, ताकि आपको एक ओल्ड स्कूल टाइप फीलिंग मिल जाए। इसको आप इस तरह से ऑन करोगे, उसके बाद जाके जो इसका ये है हुड वो ओपन होगा। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स प्रोवाइड नहीं होते, मेरे हिसाब से वो एक मिस है, क्योंकि जो हुड है वो काफ़ी हैवी है और मेरे हिसाब से वो चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए थी। और यहाँ पे कोई इंसुलेशन पैड आपको प्रोवाइड नहीं होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका डीजल इंजन है, ये डीजल वेरियंट है, 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है और काफ़ी पावरफुल इंजन है, पहले से काफ़ी रिफाइन हो चुका है और काफ़ी पावरफुल है। ये इंजन जनरेट करता है 130 BHP 3750 RPM पे और 300 Nm का टॉर्क 1600 RPM पे। अगर आप इसका पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पर 150 BHP मिलती है 5000 RPM पे और 300 Nm का टॉर्क मिलता है 1250 RPM पे। बाकी इस गाड़ी में आपको 4x4 का ऑप्शन मिलता है, गाड़ी 4x4 है। अगर आप बेस स्पीड में लेंगे तो वहाँ भी आपको 4x4 का ऑप्शन मिल जाता है। 6-speed का मैनुअल गेयरबॉक्स मिलेगा और इसमें आपको ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स भी प्रोवाइड होता है अगर आप टॉप वेरिएंट्स में जाते हैं। इस तरफ देखिए तो यहाँ पे देखेंगे ये इसका टर्बो, काफ़ी बड़ा इसमें टर्बो लग रखा है और पूरा देखेंगे तो इंसुलेशन डैम्पिंग हो रखी है उसके ऊपर। और जो इसकी एग्जॉस्ट टेल पाइप जो निकली है, जो इंजन से निकली पूरे पीछे तक गई है, पूरी उसमें भी आपको डैम्पिंग प्रोवाइड होती है। मैं अभी जब पीछे जाऊँगा तो आपको दिखा दूँगा अच्छे से। और इंसुलेशन पैड और यहाँ भी देखेंगे तो पूरा अच्छे से प्रॉपर इंसुलेशन हो रखा है, तो काफ़ी अच्छा काम हो रखा है यहाँ पे। तो ये इसके इंजन की प्लेसमेंट मैंने दिखा दी, कैसा मिलता है, कितना पावरफुल इंजन मिलेगा आपको इसमें। और जिसका हुड आप क्लोज करोगे तो उसके बाद आपको ऐसे करना पड़ेगा, तो इसका हुड प्रॉपरली क्लोज होगा।
तो इसका जो फ्रंट पोर्शन है, जो इसका इंजन स्पेक है, वो मैंने आपको दिखा दी क्या इसमें स्पेक आपको मिलते हैं। आप चलते हैं इस गाड़ी के हम साइड प्रोफाइल की तरफ। दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी के हम साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ सबसे पहले हम डायमेंशन की बात करेंगे। तो 3.9 मीटर गाड़ी की लेंथ है, 1.8 मीटर गाड़ी की वेथ है और 1.8 मीटर गाड़ी की हाइट है। इस गाड़ी में आपको 226 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अगर आप इसका जो बेस वेरिएंट है, नीचे के वेरिएंट से वो लेंगे, तो वहाँ आपको 219 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। सस्पेंशन की बात करूँ तो फ्रंट में आपको इंडिपेंडेंट डुअल विश बोन के स्टेबलाइजर बार मिलते हैं और पीछे की तरफ आपको मल्टी लिंक के सॉलिड रेयर एक्सल विथ कॉयल स्प्रिंग एंड स्टेबलाइजर बार मिलेंगे। इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा चेंज करा गया है पहले के मुकाबले, ताकि आपको एक बेटर कम्फर्ट मिले, ऑफ रोडिंग भी आपकी बेटर हो। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। और टायर प्रोफाइलिंग की बात करें तो ये टॉप मॉडल है, तो इसमें आपको 18 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे। अगर आप नीचे का वेरिएंट लेंगे तो वहाँ आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इनकी अगर मैं प्रोफाइलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो 255/65R18 की इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। बीच में यहाँ पर महिंद्रा का लोगो लगा हुआ है, काफ़ी अच्छे प्रोफाइलिंग है, टायर काफ़ी चौड़े हैं। यहाँ पर आपको बड़ी सी व्हील आर्चरिंग मिलती है, इंडिकेटर प्लेसमेंट आपको यहीं मिलेगी। और अगर अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा आपको एक्सपोजर मिलता है, अंदर सस्पेंशन आप देख पा रहे होंगे इजीली, जो अंदर की चीज़ें वो आप क्लियरली थोड़ा देख सकते हो। बाकी इसका फुट स्टेप हो गया ताकि आप अंदर इजीली स्टेप इन कर सको। यहाँ पे आपको थार लिखा हुआ मिल जाएगा थोड़ा क्रोम फिनिशिंग में, और यहाँ पे आपको एक्सपोजर्स मिल जाते हैं जैसे दोनों में मिलेंगे। और अगर आप हुड में देखते हैं तो हुड में भी आपको यहाँ पे एक्सपोजर्स मिल जाते हैं। ओआरएम की बात करें तो ये आपको मैनुअली फोल्ड करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक फोल्ड नहीं होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। बाकी यहाँ पे आपको थार लिखा हुआ मिल जाएगा और क्रोम ट्रीटमेंट ऐसा कोई ज़्यादा यूज़ नहीं हो रखा है। गाड़ी को आप चाहो तो मैनुअली भी ओपन और क्लोज कर सकते हो। और यहाँ पे ओल्ड स्टाइल की तरह आपको डोर हैंडल दे रखे हैं। बाकी जो थर्ड की जो आवाज़ आती है जो डोर क्लोज करने में, वो काफ़ी अच्छी है, एक अलग ही फीलिंग मिलती है। और ये पीछे का टायर हो गया, पीछे का थोड़ा देख पा रहे होंगे सस्पेंशन और जो चीज़ें हैं वो सब क्लियरली देख सकते हो। और एक चीज़ और नोटिस करेंगे टायर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक थार लिखा हुआ मिलेगा। ये प्लास्टिक का है, कोई ऐसा मेटल का पार्ट ऐसा कुछ नहीं है, तो एक थोड़ा सा एक लुक अच्छा मिलने को। बाकी इसमें पीछे शो कर रहा था आपको जो एग्जॉस्ट है वहाँ भी आपको एक डैम्पिंग मिलती है। अगर आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे होंगे तो पीछे एग्जॉस्ट है, यहाँ फ्रंट जो इंजन से एग्जॉस्ट निकल के आ रहा पूरा पीछे तक यहाँ पर आपको डैम्पिंग मिलती है। बाकी आपको 4x4 का यहाँ पे लोगो मिल जाएगा। आपको हार्ड टॉप रूफ मिलती है, अगर आप नीचे वेरिएंट लेंगे तो आपको कन्वर्टेबल आपको सॉफ्ट रूफ मिलेगी। बाकी यहाँ पे देखिए जो विंडो काफ़ी बड़ी है, ताकि जो पीछे जो पैसेंजर्स बैठेंगे तो उनको एक अच्छा व्यू मिल पाए। तो जो साइड प्रोफाइल है वो मैंने आपको दिखा दी, कुछ इस टाइप की गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है वो दिखेगी। अब चलते हैं इस कार के हम बैक पोर्शन की तरफ को। दोस्तों गाड़ी का बैक पोर्शन दिखाने से पहले आपको एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ, इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको को ड्राइवर साइड मिलता है। इस गाड़ी में आपको 57 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, और उसे आप कुछ इस तरह से ओपन करोगे अपनी चाबी से, तो यहाँ से आप डीजल फिलअप करोगे और डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड आप यहाँ से फिलअप करोगे, तो दोनों चीज़ आपको यहीं पर प्रोवाइड हो जाती है। बाकी इस तरह आप इसे क्लोज करोगे। अब बैक पोर्शन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रखा है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ सबसे पहले हम टेल लैंप की बात करते हैं, तो टेल लैंप का जो डिज़ाइन है वो भी इंप्रूव हो रखा है। ये आपको हेलोजन में ही मिलती है, लेकिन जो शो करने का तरीका वो काफ़ी अच्छा है। इंडिकेटर लाइट और बैकलाइट आपको हेलोजन में मिलेगी, और बीच में आपको यहाँ पे थार लिखा हुआ मिलेगा। बम्पर की यहाँ बात करें तो ये भी आपको प्लास्टिक में मिलता है, मेटल में प्रोवाइड नहीं होगा। और बम्पर के दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं और पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड होंगे, लेकिन कोई बैक कैमरा प्रोवाइड नहीं होता इस गाड़ी में। आपको पीछे आपको व्हील मिलेगा, और इसमें आपको कोई व्हील का वैसा कुछ नहीं मिलता, ये पूरा ओपन नहीं है, तो लुक काफ़ी अच्छा हो जाता है इससे। ऊपर देखेंगे यहाँ पर तो हाई माउंट स्टॉप लाइट मिलेगा अंदर की तरफ को। बाकी पीछे का जो डोर है आप चाहो तो उसे मैन्युअली भी ओपन और क्लोज कर सकते हो। बाकी पीछे का डोर ओपन आप कुछ इस तरह से करेंगे, और जब आप यहाँ डोर ओपन करेंगे तभी इसका जो मिरर है ये भी कुछ इस तरह ओपन हो पाएगा, बिना इसके ये मिरर ओपन नहीं हो सकता है। बाकी अंदर का व्यू देखें तो कुछ इतनी ही आपको स्पेसिंग मिलेगी। अगर आप जब सीट्स फोल्ड करोगे तो आपको एक अच्छी खासी स्पेसिंग मिलती है, वैसे इतना को नॉर्मली इतनी मिलेगी, तो छोटे मोटे जो लगेज हैं वही आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। अगर आप कोई नीचे का वेरिएंट लेंगे तो जो सीट का डिज़ाइन है वो चेंज आएगा, तो अभी पीछे का जो सीटिंग कम्फर्ट है वो जब इंटीरियर में जाऊँगा तो आपको शो करूँगा। फिलहाल इसको बंद करते हैं कुछ इस तरह से। तो कार का जो बैक पोर्शन है, जो एक्सटीरियर है, वो मैंने आपको शो कर दिया कैसी क्या चीज़ें मिलेंगी आपको। आप चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के देखते हैं वहाँ पर कितना इंप्रूवमेंट हो रखा है और सीटिंग कम्फर्ट कैसा है। तो दोस्तों हम कार के इंटीरियर में आ चुके हैं, तो एक बार आपको इंटीरियर दिखाओ तो कुछ इस टाइप में आपको ड्राइवर साइड से इंटीरियर देखने मिलेगा, और इंटीरियर काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग मिलती है। आपको यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी हल्का सा कार्बन फाइबर फिनिशिंग मिलती है, और जितने एसी वेंट्स है उसके यहाँ पे भी आपको कार्बन फाइबर की फिनिशिंग मिलती है, तो इंटीरियर ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। पर यहाँ सबसे पहले हम डोर की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको थार लिखा हुआ मिल जाएगा प्लास्टिक में पूरा, तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, इसमें आपको कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जैसे मैंने कहा था ओआरवीएम मिलते हैं, कुछ इस तरह से आप इसे एडजस्ट करोगे। यहाँ से जॉइंट स्टिक दे रखी है, और यहाँ पर आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, कोई सॉफ्ट है जैसा कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं होती है। यहाँ पर आपको थोड़ी स्पेसिंग मिलती है ताकि गाड़ी की चाबी या कोई कॉइन आप यहाँ पर कैरी कर सकते हो।
और नीचे देखेंगे तो एक वाटर होल्डर मिलता है और थोड़ी सी स्पेस ही मिलती है ताकि कोई डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे पूरा एक एक्सपोजर रखा हुआ है, कोई मतलब छुपाया नहीं है, आप देख पा रहे होंगे पूरा। जब डोर बंद करेंगे, ओपन करेंगे तो किसी तरह से आपको यहाँ पे चीज शो होती है। और इसमें आप देखेंगे तो पावर विंडो के बटन आपको यहाँ प्रोवाइड नहीं होते हैं, वो आपको यहाँ सेंटर में मिलेंगे। इसका एक फायदा ये कि जब आप आफ्टर मार्केट जाइए, जैसे कोई मॉडिफिकेशन कराते हैं, फिर डोर हटवाते हैं, आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं उसके आप डोर हटवाते हैं, तो पावर विंडो जो होते हैं वो भी हट जाते हैं इस गाड़ी से, तो एक दिक्कत फेस होती है काफी सारे लोगों को। तो कंपनी ने पहले से ही वो चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, तो अगर आप मॉडिफिकेशन कराते हो आपको कोई ऐसी दिक्कत फेस ना हो। बाकी यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको तीन पेडल मिलते हैं, डेड पेडल का ऐसे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको इंजन का बे खोलना है तो लीवर उसको आपको यहाँ नीचे दे रखा है, काफी नीचे दे रखा है। इस गाड़ी की सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा, सीट काफी कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत आपको ऐसी चीज फेस नहीं होती है। और आप जो ये देख रहे हैं ये इसका स्पीकर है, इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का ऑडियो सेटअप मिलता है। अगर आपको जानना है इस गाड़ी की ऑडियो क्वालिटी कैसी है सो इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करो, वहां इस गाड़ी की ऑडियो क्वालिटी हम जरूर डालेंगे। आपको दिखा देता हूँ, ये आपके ट्विटर्स हो गए दो और ये आपके स्पीकर्स हो गए, ठीक आपके ऊपर मिलेंगे। बाकी यहाँ बीच में आपको लाइट मिलती है, आपको एलईडी में मिलेगी, तो ये भी आपको कोई चेंज कराने की जरूरत नहीं है। उसका स्प्रे भी ठीक है, अच्छा खासा स्प्रे मिल जाता है आपको यहाँ पर। और ये इसका एसी वेंट हो गया, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिशिंग मिल जाती है, इस तरह से आप इसको कंट्रोल करोगे। और लाइट की बीम एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे इसका लीवर दे रखा है, इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए इसका बटन हो गया, और ये हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन हो गया। और जो ये 4 बटन देख रहे हैं इससे आप जिसका ट्रिप मीटर है आप उसको कंट्रोल करोगे, वो भी जब मैं इसका गाड़ी को ऑन करूंगा तो आपको दिखाऊंगा। पहले दिखाई देता हूं आपको, इस तरह से डोर क्लोज करते हैं तो कार करते हैं एक बार ऑन, तो कुछ इस तरह से ऑन होगा। थार लिखा हुआ रिप्रेजेंट होता है, काफी अच्छा लगता है दिखने में वो। ये स्पीडोमीटर आपको एनालॉग में मिलेगा, इसका आरपीएम मीटर हो गया, इसका स्पीडोमीटर हो गया, 180 गाड़ी की टॉप स्पीड दे रखी है। बाकी कुछ इस तरह से वॉइन लाइट आपको शो होती है, और बीच में ट्रिप मीटर हो गया जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है। जैसे मैं अगर इसको सेट करूं तो इससे डोर कौन सा ओपन है और कौन से सर्विस ड्यू आपकी गाड़ी की तक चल चुकी है, टाइम हो गया, ऑयल टेम्परेचर हो गया, गाड़ी में कितना ऑयल है, सेटिंग्स हो गई, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे से जान सकते हो। बाकी स्टेयरिंग की बात करूं यहाँ पर मैं, तो 4 स्पोक स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पर प्रोवाइड होता है, और कोई लेदर की स्टिचिंग इसमें प्रोवाइड नहीं होती, लेकिन माउंटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं। और जो यहाँ कंट्रोल है जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम, आप उसको कंट्रोल करोगे, जैसे कोई भी चैनल चेंज करना हो गया, कॉल पिकअप करना हो गया, वॉइस कम ज्यादा करना हो गया, म्यूट करना हो गया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। बीच में महिंद्रा का लोगो मिलेगा क्रोम फिनिशिंग में, और इधर आपको वॉइस कमांड मिलता है। बाकी स्टेयरिंग एडजस्टमेंट बात करें तो टिल्ट मिलता है, कोई टेलीस्कोपिक का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं होगा, नहीं स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये वाइपर से कंट्रोल हो गए इधर, और इधर आपके इंडिकेटर के और लाइट के कंट्रोल हो गए। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं होता है। बाकी हम यहाँ देखें तो ये इसका इन्फोटेनमेंट सिस्टम है जो कि काफी अच्छा है, और जो इसका रिस्पॉन्स है वो भी काफी अच्छा है। काफी सारी इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है एडवेंचर में, अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको मोड मिल जाते हैं, ऑन रोड मोड हो गया, ऑफ रोड मोड हो गया, कस्टम करना हो, जैसे ऑन रोड में सब चीज होती है, पावर हो गया, टॉर्क हो गया, और नॉर्थ कहाँ पर है, और अगर आप जो गाड़ी में स्पीड चला गए यहाँ पर तो आपको शो होती होती है वो चीज, आपको डिजिटली यहाँ पर भी शो होगी, जैसे 20, 30, 100 जितनी की स्पीड आप चलाओगे यहाँ पे आपको शो आएगी। अगर आप ऑफ रोड पे क्लिक करते हैं यहाँ पर तो आप कौन सा आपको लगा 4x4 लगा, गाड़ी का एंगल क्या है, टायर प्रेशर हो गया, ऑयल टेम्परेचर हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होती है। और बाकी कस्टम में आएगा यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हो। बाकी नीचे आपको ईज टू यूज बटन मिलते हैं, होम बटन हो गया, यहाँ पे कौन से मोड में आना है, तो फोन में आना है, नेविगेशन सिस्टम में जाना है, तो यहाँ से आप इन सब चीजों को ऑपरेट कर पाओगे कुछ इस तरह से। बाकी नीचे यहाँ पे बटन मिल जाते हैं, ऑन ऑफ करने का बटन बीच में मिलेगा सेंटर में, अगर आप इसे प्रेस करते हैं गुड बाय से बंद हो जाएगा। बाकी इसमें मैंने कहा था थोड़ी कार्बन फाइबर फिनिशिंग हो गई, 2 AC वेंट्स हो गए, और नीचे आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, डिफॉगर के और एसी के बटन्स हो गए यहाँ पर, और इसके डायल्स हो गए। अगर मैं ब्लोअर की बात करूं तो ब्लोअर काफी तेज है इस गाड़ी का। बाकी नीचे यहाँ पे 3 डमी बटन्स हो गए, और इसकी वॉइन लाइट्स हो गई, इसकी हैजार्ड लाइट है, कुछ इस तरह से हैजार्ड लाइट ऑन होती है इस गाड़ी में। और नीचे देखेंगे तो ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट हो गया, और यहाँ पे आपको ऑक्स और यूएसबी और यूएसबी का चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड होता है। बाकी नीचे स्पेसिंग मिलती है, कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे फोन रखने की स्पेसिंग मिल जाती है, और थोड़े यहाँ पे डिजाइनिंग मतलब जैसे मैप में डिजाइनिंग होती है वैसे आपको एक डिजाइनिंग प्रोवाइड होती है। और ये सब गियर लीवर हो गया, 6 स्पीड का आपको मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, और यहाँ पे 4x4 का भी ऑप्शन मिलेगा। अब काफी सारे लोगों को पता नहीं होता कि जो 4x4 है इसे कैसे यूज करते हैं, जिन्होंने पहली बार ऐसी गाड़ी चलाते हैं उनको आइडिया नहीं आ पाता, तो उसके लिए अगर आपको 4x4 लगाना है, कोई भी ऐसे गियर लगाने हैं, तो पहले आपको गाड़ी को अपनी न्यूट्रल में करना पड़ेगा, उसके बाद इस नॉब को आपको नीचे की तरफ को प्रेस करना पड़ेगा, फिर आप जैसे 2x2 में गाड़ी पहले से होगी तो आप 4x4 में, फिर न्यूट्रल में, फिर 4x4 लोअर में आ पाओगे। अगर मैं इसमें
4x4 में अगर मैं जाता हूँ आगे की तरफ को पुश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 4x4 का ऑप्शन आ जाता है और डिस्प्ले में थोड़ा एक सेकंड का लैग होता है लेकिन आपको चीज शो होगी सिर्फ 4x4 लगे तो यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर में वो चीज शो हो जाएगी। तो उतना टफ नहीं है चीज को लगाना। बाकी नीचे देखेंगे तो ये पावर विंडो के कंट्रोल हो गए, खाली फ्रंट के मिलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही दरवाजे हैं तो खाली जो फ्रंट के कंट्रोल है आप उसी को टोर के पावर विंडो कंट्रोल कर पाओगे। बाकी यहाँ पे दो कप होल्डर्स मिलते हैं और थोड़ा यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी, इसका ई ब्रेक है, हैंड ब्रेक आप जो का वो मिलेगा, आप थोड़ा क्रोम ट्रीटमेंट उसमें भी प्रोवाइड होता है आपको। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिलता है लेकिन इसमें कोई ड्राइवर साइड कोई मिरर नहीं मिलेगा और जो साइज है वो थोड़ा छोटा है, मतलब पूरे डोर में कम्प्लीटली नहीं आ पाता तो कोई ज्यादा इतना अच्छा यूज नहीं हो पाएगा इसका, लेकिन को ड्राइवर साइड आपको एक मिरर भी मिल जाएगा इसमें। बाकी आपको कोई ऑटो डिमिंग नहीं मिलता, इसको आपको मैन्युअली कुछ इस तरह से एडजस्ट करोगे आप। और ये हार्ट टफ रूप है तो इसमें आपको पूरी रूप पहले से बंद मिलती है, पूरा प्लास्टिक यूज होगा हार्ट और दिखने में काफी अच्छा लगता है। वो गाड़ी के आप अंदर बैठोगे तो जो फील मिल रहा है आपको एक मतलब एक मस्कुलर जैसा लुक मिलता है वो काफी अच्छा फील होगा। बीच में ये लाइट हो गई, आपको एलईडी में मिलती है, मैंने आपको बताया था। स्पीकर की प्लेसमेंट्स हो गई और जैसे मैंने स्पेसिंग जो सब चीज आपको यहाँ मिलती है वही सब चीज आपको वाली डोर में भी प्रोवाइड होगी। बीच में आपको हैंडल मिलता है ताकि ऑफ रोडिंग की दौरान तो आप इजिली ग्रैब हैंडल कर सके, जो को ड्राइवर है वो कर लेगा। और ग्लव बॉक्स की यहाँ पे मैं बात करूँ तो काफी छोटा ग्लव बॉक्स है, मतलब छोटा मोटा सामान यहाँ पे आ पाएगा, कोई बड़ा नहीं मिलता क्योंकि यहीं पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट भी प्रोवाइड होती है तो उतनी वैसी स्पेसिंग नहीं मिलती। सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो सीट कंफर्ट अच्छा है बट अंदर थाई का जो सपोर्ट है वो उतना अच्छा नहीं, क्योंकि जो अंदर थाई के लिए जो सीट है नीचे वाली है ये थोड़ी छोटी है तो जिनकी हाइट काफी ज्यादा है या फिर जो थोड़े हैवी हैं तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत फेस होगी यहाँ पे, लेकिन जो बैक सपोर्ट है और जो हेड सपोर्ट है वो काफी आपको अच्छा मिल जाता है। कुशनिंग काफी अच्छी यूज हो रखी है। विहान कैसा बैठ के, बिल्कुल मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यार सीटिंग कंफर्ट तो बढ़िया है वैसे इसका, लेकिन बस दिक्कत यह है कि इसका जो अंदर थाई सपोर्ट है वो थोड़ा दिक्कत कर सकता है, जो हैवी लोग है जो हेल्दी लोग होते हैं थोड़े उनके लिए थोड़ा दिक्कत कर सकता है, वैसे गाड़ी बढ़िया है। लेकिन जो कैबिन स्पेस है वो काफी अच्छी मिलती है, जो व्यू आपको आगे का मिलेगा वो बहुत क्लियरली मिलता है, प्रॉपर मिलेगा क्योंकि सीट थोड़ी ऊंची ऊपर को उठी हुई है और जो डैशबोर्ड है वो थोड़ा सा नीचे है तो जो व्यू फ्रंट का व्यू वो आपको काफी अच्छा प्रोवाइड होता है। और अगर मैं सीट विहान जरा आगे बोलूँ ना तो सीट में देखेंगे तो थार लिखा हुआ मिलेगा और कुशनिंग काफी अच्छी है। बाकी ये जो लीवर है अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो याला पोर्शन होता है सीट के यहाँ पे जो बैक सपोर्ट के लिए होता है ये थोड़ा सा फूल जाता है, जिससे आपको जो बैक सपोर्ट है और अच्छा मिल जाता है। तो जो फ्रंट पोर्शन है वो मैंने आपको दिखा दिया कि क्या चीज यहाँ पे मिलेगी आपको। और यहाँ पे अगर मैं एक चीज दिखाऊं तो यहाँ पे गाड़ी का जो सीरियल नंबर है महिंद्रा थार की यहाँ पे बैजी मिल जाती है, थोड़ा डिजाइन ही मिल जाएगा। और एक चीज यहाँ पे और शो करूंगा, विंडशील्ड में आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स मिल जाता है डिजाइन, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो मुझे तो फ्रंट पोर्शन से गाड़ी काफी अच्छी लगी, लेकिन इस गाड़ी में एक एडवांटेज अब यह है कि जब से अपडेट हुआ है तो पीछे का जो पोर्शन है वहां भी आपको काफी अच्छी स्पेसिंग मिलती है, तो पीछे अगर पैसेंजर आप बिठाते तो वहां भी काफी कंफर्ट मिलता है। तो चलते हैं इसकी पीछे की सीट्स में, देखते हैं कितने फीचर्स और स्पेसिंग आपको यहाँ प्रोवाइड होती है। दोस्तों पीछे की सीट में आपको जाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो इस को ड्राइवर की सीट है आपको इस तरह से आगे करना पड़ेगा, इस तरह से फोल्ड करके को ड्राइवर से शोल्डर की तरफ यहाँ पे एक लीवर अगर आप उसे प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से तो सीट है वो फोल्ड रहेगी। उसके बाद आप कुछ इस तरह से थोड़ी सी मशक्कत करके अंदर आप इजीली बैठ सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सीट है कुछ इस तरह से फोल्ड करके आपको पीछे बंद करनी है, तो आप कुछ इस तरह से पीछे कंफर्टेबली होके बैठ जाओगे। तो हम पीछे की सीट्स में आ चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सीटिंग कंफर्ट की बात करता हूँ जो कि मेन एक पार्ट है। तो सीटिंग कंफर्ट रियली काफी अच्छा है, लेग रूम स्पेस की बात करूँ तो वो भी काफी अच्छे अनुभव मिलती है, आप पीछे आराम से कोई बैठ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सीट थोड़ी सी कर्व टाइप में है। और यहाँ पे देखेंगे तो मैक्स 3 kg का ही हुक मिलता है, मतलब 3 kg से ज्यादा कोई भी चीज में लोड नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर देखेंगे तो एक ये हब निकल रखा है जिससे कि जो लेग सपोर्ट है एक पैर ऊपर रहेगा कुछ इस तरह से और एक पैर नीचे रहेगा, तो लेग सपोर्ट थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, लेकिन एक यहाँ पे एक सॉफ्ट टच मिल जाता है आपको क्योंकि थोड़ा कारपेट टाइप लगा रही है यहाँ पे ताकि पूरा आपको मेटल ना लगे यहाँ पे, तो ऐसा करके आप हाथ रख सकते हो यहाँ पे और 3 लोग यहाँ पे कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बीच वाला बंदा यहाँ पे थोड़ा आराम से बैठेगा क्योंकि दोनों तरफ देखेंगे तो टायर कैसे हब निकले हुए हैं, तो जो साइड में बैठेंगे उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन जो बीच में बैठेगा वो थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठ सकता है, उसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बीच में देखेंगे तो कोई ऐसा बड़ा उठा हुआ हब नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पे कोई देखेंगे तो आर्मरेस्ट नहीं है, कोई ऐसे एसी वेंट भी नहीं मिलता आपको, जो भी जितने भी एसी वेंट है सब आपको फ्रंट में मिलेंगे, लेकिन जो कूलिंग है गाड़ी की वो काफी अच्छी है। और देखेंगे तो विंडो ऐसी कोई ओपन नहीं कर सकते हो आप, पूरी तरह से क्लोज मिलेगी लेकिन जो व्यू है वो आपको काफी अच्छा मिलेगा क्योंकि जो विंडो का साइज है वो काफी बड़ा और लॉन्ग है तो व्यू आपको काफी अच्छा मिल जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर आपको एक हुक मिल जाता है और यही हुआ आपको उस तरफ को भी मिलेगा। पीछे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, उन्हें आप एडजस्ट कर सकते हो तो आपको जो हेड सपोर्ट है वो काफी अच्छा मिलेगा। और पीछे की तरफ से जो बैक फ्रंट का व्यू है वो आपको कुछ इस टाइप में मिलेगा और जो बैक व्यू है वो इस टाइप में मिलता है।
कुछ नहीं है पीछे, हल्की सी स्पेसिंग है तो डायरेक्टली आपको पीछे के शीशे ही दिखेगा और टायर दिखता है ऐसे। तो ऊपर रूफ पूरी सॉलिड है तो आप इसे हटा नहीं सकते हो, तो पूरा क्लोज मिलता है। लेकिन सीटिंग कम्फर्ट एक्चुअली काफी अच्छा है, सीट्स में यहाँ पे पॉकेट्स मिलती है, तो मैगजीन है, वाटर बॉटल आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से सही है, मतलब पहले की थार के मुकाबले ये वाली थार काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रखा है। स्पेसिंग काफी अच्छी हुई, स्पेस मैनेजमेंट जो कर रखा है इस गाड़ी में वो काफी अच्छा है, और इंटीरियर डिजाइन हो गया, पावर काफी अच्छी कर दी, सस्पेंशन चेंज कर दी, लुक काफी इंप्रूव कर दिया गाड़ी का। तो मेरे हिसाब से गाड़ी सिटी वाइज के लिए और ऑफ रोडिंग दोनों पर्पज के लिए काफी अच्छी बना दी गई है। तो ये सब जो गाड़ी का इंटीरियर था और जो एक्सटीरियर था वो मैंने आपको अच्छे से बता दी कि चीज में आपको नई थार में प्रोवाइड हो रही है। अब हम बात करते हैं इस कार की हम प्राइसिंग की। तो दोस्तों आपको इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है 12,95,000 रुपीज का, और ऑन द रोड आपको ये गाड़ी पड़ेगी अप्रॉक्स 15 लाख रुपीज की। अगर इसमें एक्सेसरीज अगर कोई चीज और जोड़ते हैं तो 30-40,000 रुपीज जो इस गाड़ी का प्राइस है वो एक्सीड हो जाएगा। तो गाड़ी लेकिन आपको इतनी ही पड़ेगी, और जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ उत्तराखंड हल्द्वानी का प्राइस है। ये प्राइस स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, आपके स्टेट में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो प्राइस है अप्रॉक्स कुछ इतने का ही पड़ेगा आपको। दोस्तों अगर आपको इस महिंद्रा थार की म्यूजिक क्वालिटी सुननी है या आपको किसी रियल लाइफ इमेज देखनी है किसी और कार की म्यूजिक क्वालिटी सुननी है तो प्लीज़ प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करिए, लिंक स्क्रीन में भी आ रखा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, सो मेक श्योर जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।